क्लास 9 से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसको मेंसुरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 हम स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें इस एक्सरसाइज में क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है। अब दो तरह के सरफेस एरियाज होते हैं, एक होता है लैटरल सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से क्वेश्चन में आप इसे पुट करेंगे, चलिए वही सीखते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपके लिए क्यूब बनाया। अब क्यूब एक ऐसा सिक्स साइडेड फिगर है जिसके सारे फेस का एरिया बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसके सारे फेस का एरिया बराबर होता है। तो अगर मैं इसकी किसी एज को एक्स मान लूं, टोटल 6 सरफेस है और हर सरफेस का एरिया बराबर है। सरफेस का मतलब होता है एक 2D फिगर, मतलब देखो ये एक सरफेस है जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। तो अगर एक सरफेस का एरिया, क्योंकि सारे एजेस बराबर ही होते हैं इसके अंदर, तो एक सरफेस का एरिया कितना हो गया, साइड इन टू साइड करो, एक्स स्क्वायर। तो टोटल मिला के 6 सरफेस है, तो 6 सरफेस का एरिया क्या हो गया, 6x2। जब एक सरफेस का एरिया एक्स स्क्वायर है, तो फिर 6 सरफेस का एरिया क्या हो गया, 6x2। और 6 की 6 सरफेस का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे टोटल सरफेस एरिया की। तो फॉर्मूला हो गया 6x2। बताऊंगा कि टोटल सरफेस एरिया और अभी जो कर्व सरफेस एरिया बताने वाला हूं वो किन किन चीजों को बोलते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ऐसे ही सीएसए हमेशा चार दीवारों के एरिया को बोलते हैं, जिसके अंदर छत और फ्लोर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो चार दीवारें रह गई। तो अगर क्यूब की बात करें तो जैसे 6 दीवारों का एरिया 6x2, 6 सरफेसेस का एरिया 6x2, तो 4 सरफेस का एरिया ऑब्वियस ही बात है 4x2। अब इसको लॉजिकली समझ लेते हैं। आप जिस कमरे में हो, अगर उसे क्यूबिकल कमरा मानो और ये माने कि हर दीवार का जो एरिया है वो बिल्कुल बराबर है, कुल मिला के आपके रूम में 6 सरफेस है, वो किस तरह से, चार तो दीवार है, एक छत है और एक फ्लोर है। और ये मानो कि अगर हर सरफेस का एरिया एक्स स्क्वायर है, तो टोटल 6 सरफेस का एरिया क्या हो गया, 6x2। अब हुआ क्या, चार दीवार, छत और फ्लोर, मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे छत इंक्लूड नहीं करनी अपने आंसर में, तो आप क्या कहोगे, ठीक है भाई चार तो दीवार हो गई और एक फ्लोर हो गया, तो 5 सरफेस का एरिया चाहिए, तो आंसर हो गया 5x2। मान लो मैं आपसे कहूं कि भाई छत इंक्लूड कीजिए, फ्लोर को इंक्लूड मत कीजिए, तो अब भी क्या हुआ, चार दीवार और एक आपकी छत, अभी भी 5x2 हो गया। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। हमारे पास जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिसको हम टीएसए या सीएसए बोलते हैं, उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ चार दीवारों को ले तो 4x2, जिसको हम कर्व सरफेस एरिया या फिर एक नाम और भी है लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम चार दीवार, छत और फ्लोर 6 की 6 इंक्लूड कर ले तो इसको बोलते हैं हम 6x2। तो ये तो फंडा था क्यूब के सीएसए का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चार दीवार ली जाती है, और टीएसए जिसमें टोटल की टोटल 6 दीवार ली जाती है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से मान लीजिए फ्लोर इंक्लूड नहीं कर रहा तो 5 दीवार रह गई, मान लीजिए वो छत इंक्लूड नहीं कर रहा तो और फिर 4 दीवार रह गई। तो ये लॉजिकली आपको क्वेश्चन देख के निकालना पड़ेगा कि आपको 5 दीवारों का एरिया निकालना है, 4 का निकालना है या 6 का निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं क्यूबॉइड की तरफ। क्यूबॉइड में क्या चीज डिफरेंट है क्यूब से, जैसे कि क्यूब के अंदर सारी सरफेस का एरिया बराबर होता है, यहां ऐसा नहीं है, यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहां लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है और हाइट अलग है। देखो कैसे, लेंथ को एल मान लेते हैं, ब्रेथ को बी मान लेते हैं और हाइट को एच मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, फंडा यहां पर भी यही है कि आपका रूम क्यूबॉइडल है जिसमें चार दीवार है, छत है और फ्लोर है। लेकिन एक चीज का सबसे बड़ा फायदा है, ये जो यहां पर 6 सरफेस है इसमें 3 सरफेस एक जैसी है, 3 सरफेस एक जैसी है, मतलब जो एरिया छत का होगा वही फ्लोर का होगा, जो इस दीवार का होगा वही इस दीवार का होगा, जो सामने वाली दीवार का होगा वही पीछे वाली दीवार का होगा। इसका मतलब कि 3 सरफेस का एरिया पता है तो दुगना करना है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो हम कैसे मानते हैं, तो फर्स्ट सरफेस का एरिया, सेकेंड सरफेस का एरिया और थर्ड सरफेस का एरिया, मान आप किसी को कुछ भी सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर मैं फर्स्ट को छत मान रहा हूं तो फ्लोर का सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस दीवार को सेकंड मान रहा हूं तो ये वाली दीवार सेम हो जाएगी, अगर मैं इस वाली दीवार को तीसरी मान रहा हूं तो ये वाली दीवार सेम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखो 6 सरफेसेस का एरिया आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर फर्स्ट सरफेस मैंने मान ली, कोई सी मान ली जिसका एरिया मैंने लिया LB, दूसरी सरफेस का लिया मैंने BH और तीसरी सरफेस का लिया मैंने HL, भाई अगर
तीन साइड आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो एक एरिया आपको एलवी लेना पड़ेगा, एक बीएच लेना पड़ेगा, एक एचएल लेना पड़ेगा, और ये तीन जो आपने लेंथ ली है उसके जस्ट सामने वाली बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो जाएंगी। तो कुल मिला के टीएसए कितना हो गया, सब दो दो हो गई, तो टू एल बी, टू बी एच और टू एच एल, और फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपकी चॉइस थी कि जो तीन पर्टिकुलर सरफेस है किसी को भी एलबी मान सकते हैं, किसी को भी बी एच मान सकते हैं, किसी को भी एच एल मान सकते हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ध्यान रखना सब दो दो हो जाएंगी। तो टोटल सरफेस एरिया सबको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टीएसए ऑफ द क्यूबॉइड आया ट्वाइस ऑफ एलबी इंटू बी एच इंटू एच एल, क्योंकि टोटल में आपके छह सरफेस है, तीन एक जैसी और बिल्कुल एग्जैक्टली फिर तीन एक जैसी। मैंने तीन का एरिया लिख दिया, उनकी जो सामने वाली साइड है उनका एरिया भी सेम हो गया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये लीजिए टीएसए का फॉर्मूला आ गया। अब ऐसे ये तो छह सरफेस का एरिया है, अगर मान लो सिर्फ मुझे दीवार दीवारों का ही चाहिए, ना छत चाहिए ना फ्लोर, तो चार दीवारें रह गई ना, तो चार दीवारों को हम बोलते हैं सीएसए। क्यूबॉइड के अंदर सीएसए को डायरेक्टली बोला जाता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, ध्यान रखिएगा एरिया ऑफ फोर वॉल्स, जिसमें ना तो हम छत इंक्लूड करते हैं और ना ही फ्लोर, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टू एल प्लस बी और इंटू एच। अब जरा ध्यान से देखो, टू इंटू एल एच प्लस टू इंटू बी एच। अब देखो इसमें टू इंटू एल बी का है, क्योंकि छत और फ्लोर दोनों के पास हाइट नहीं होती ना, तो आपके पास टू एल बी गायब है, चेक करो टू एल बी गायब है आपका। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चार दीवारें लोगे तो ना तो आप छत इंक्लूड करोगे और ना ही फ्लोर इंक्लूड करोगे। फॉर्मूले में से क्या होगा, ये चीज टू एल बी हटा दोगे, तो अगर इसमें से मैं टू एल बी हटा दूं तो फॉर्मूला आपके पास ये बचेगा, देखो टू इंटू एल एच प्लस टू इंटू बी एच। तो ये लॉजिक हुआ कि अगर एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकालेगा तो आप छत और फ्लोर को इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ चार दीवारें लोगे, टोटल की टोटल मांग रहा है, तो भाई चार दीवारें भी लोगे, छत भी लोगे और फ्लोर भी लोगे, टोटल के टोटल छह सरफेस का एरिया हो गया। लेकिन यहां भी ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि भाई मैं चार दीवार लूंगा और एक छत लूंगा, फ्लोर नहीं लूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चार दीवार में एल बी जोड़ दीजिए। मान लीजिए छत नहीं लेना चाहता, फ्लोर लेना चाहता है, तो भाई चार दीवार में एल बी जोड़ दीजिए, क्योंकि छत और फ्लोर का एरिया बिल्कुल सेम होता है, यहां और ये एरिया बिल्कुल सेम है, सामने और पीछे का एरिया बिल्कुल सेम है, तो जो ऊपर का एरिया है वो नीचे का, दोनों को दोनों माइनस कर दिया, एरिया फोर वॉल्स आ गया। तो ये कंसेप्ट था सीएसए का और टीएसए का क्यूब और क्यूबॉइड के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज 13.1 सिर्फ क्यूब क्यूबॉइड के सरफेस एरिया पे डिपेंडेंट है, तो मैंने आपको वही कंसेप्ट बताया है। अब चलिए अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो चलिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ता हूं, आप अपनी बुक से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है कि अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है जिसकी तीन अलग अलग डायमेंशंस दी हैं। तो मैंने शुरू में बताया था आपको क्यूब में सारी डायमेंशन सेम होती हैं, क्योंकि सारे सरफेस का एरिया बराबर होता है। यहां तीन अलग अलग डायमेंशन दिए, दिस शोज दैट कि आपको क्या दे दिया, आपको इन्होंने क्यूबॉइड दे दिया। अब आपको करना क्या है वो समझिए ध्यान से। सबसे पहले आप क्यूबॉइड का फिगर बनाएंगे और उसके अंदर आप LBH को डिनोट करेंगे इस तरह से, ठीक है, और फिगर में कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बस ये आपका काम है कि भाई फिगर में L, B और H मैंने डिनोट कर दिया। अब क्वेश्चन में लिखना कैसे है वो देखिए, मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूं। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लेंथ दिया, तो कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ बॉक्स, ठीक है, जिसको मैं एल से डिनोट किया है, ठीक है, वहां पर आप देख लीजिए और वो दिया हुआ है आपको 1.5 मीटर। फिर आगे क्या कहता है, 1.25 मीटर वाइड, वाइड मतलब विड्थ, तो विड्थ जिसको मैंने किससे डिनोट किया है, बी से, और ये आपको दी कितनी है, ये आपको दी है 1.25 मीटर, ये लीजिए। फिर क्या कह रहा है, एंड 65 सेंटीमीटर डीप, डीपनेस हमेशा हाइट को डिनोट करती है, ठीक है, तो हाइट आपके पास है 65 सेंटीमीटर। अब ये प्रॉब्लम का चीज है, या तो तीनों मीटर बनाओ या तो तीनों ही सेंटीमीटर बनाओ, चेक कर लो कि क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मांगा तो नहीं है लास्ट में कि सेंटीमीटर ही आंसर सॉल्व करना है या मीटर में, और अगर ऐसा नहीं मांगा तो पक्की बात है दो मीटर बने हुए ना, तो मैं सेंटीमीटर को ही मीटर बनाऊंगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, इट इज ओपन एट द टॉप। अब ध्यान से देखना, एक क्यूबॉइड दिया है जिसकी छत नहीं है, चार दीवार है और उसके पास सिर्फ फ्लोर है। कंसेप्ट फिर से बताऊंगा एक बार, इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट,
determine the area of the sheet required for making the box. दूसरा, the cost of the sheet for it. If the sheet measuring 1 meter square cost ₹20, 1 meter square. तो ये क्वेश्चन में हमें सॉल्व कर दिया पहले. तो क्वेश्चन में हमें उन्होंने बता दिया कि आपको पूरी क्वांटिटी मीटर में ही सॉल्व करनी पड़ेगी. तो चलिए पहले 65 सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं. और मीटर में करने के लिए क्या करें, इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से. तो कितना आ गया, 0.65 मीटर. ध्यान रखिएगा जब भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन करें, सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन करें, तो सबसे पहले आपका ध्यान इस चीज पर होना चाहिए कि सारी यूनिट एक जैसी है कि नहीं. पूरा क्वेश्चन आपका बढ़िया सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर यूनिट में मिस्टेक हो गया तो जीरो मिलेगा, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा इस पर आपको. ठीक है, तो ध्यान रखते हैं. अब लेंथ मेरे पास है, ब्रेथ मेरे पास है, हाइट मेरे पास है. पहला क्वेश्चन देखते हैं फिर से एक बार. द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स. उस बॉक्स को बनाने का पूरा एरिया निकालना है. और कैसा है बॉक्स, ओपन एट द टॉप. मतलब आप चार दीवार बनाओगे बॉक्स की और नीचे का बेस बनाओगे, छत नहीं है अपने पास. तो मैंने क्या बताया था, चार दीवार का एरिया तो डायरेक्ट होता है, प्लस जो एरिया होता है छत का वही होता है फ्लोर का. इस बार छत नहीं है अपने पास, तो ठीक है चार दीवार के एरिया में फ्लोर का एरिया जोड़ दूंगा. चलो देखो जरा, तो कैसे लिखूंगा, टोटल एरिया. ठीक है, अब टोटल एरिया मुझे क्या क्या लेनी है, चार दीवारें लेनी है, तो डायरेक्ट फॉर्म 2L+B × H. ये आगे चार दीवारें प्लस फ्लोर. अब फ्लोर का एरिया क्या होता है, LB. भाई जो फ्लोर का होता है वही छत का होता है, छत इस बार है नहीं तो प्लस एल भी रह गया. और सोचो अगर छत भी होती तो फिर 6 की 6 आप सरफेस ले लेते और डायरेक्टली TSA का फॉर्म लगा देते. ठीक है, ये आ गया तो 2 × L+B तो 1.5 + 1.25 × H. H इज 0.65, ये लीजिए, प्लस L × B, ये फ्लोर का एरिया. बस आप मल्टीप्लाई करके प्रॉपरली लिखना है इसे. ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आंसर आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर. चलिए सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है. इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, अगर 1 मीटर स्क्वायर के ₹20 लगते हैं तो फिर इतने मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे. तो देखो बड़ा आसान है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, ₹20. तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर, पक्की बात ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको. अभी सॉल्व कर कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 109 रुपए. बस क्वेश्चन सॉल्व हो. सबसे पहले फिगर बनाएं, LBS को डिनोट करें, वैल्यूज लिखें, फिर चेक करें पर्टिकुलर कौन सा एरिया निकलवा रहा है. इस क्वेश्चन की बात करें तो छत इंक्लूड नहीं कर रहा था, तो चार दीवार के एरिया मैंने फ्लोर का एरिया जोड़ दिया, कैलकुलेशन किया, आंसर 5.45 आ गया. फिर 1 मीटर स्क्वायर के ₹20 लग रहे थे, तो 5.45 मीटर के कितने लगेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आया मेरा 109 रुपीस. पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूं. क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ ए रूम. अब देखो फिर से लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, तो कंफर्म होगा क्या हो गया, ये क्यूबॉइड है आपके पास और वो दिया कितना है, आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, 5, 4, 3 दिया हुआ है. ठीक है, चलिए फिगर बनाना पड़ेगा. ध्यान रखिएगा मेंसुरेशन के क्वेश्चन में जहां सरफेस एरिया वॉल्यूम आपको निकालना होता है, बिना फिगर के आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. तो सबसे पहले फिगर बनाए विद पेंसिल एंड स्केल, उसके अंदर हमेशा LBH को डिनोट करें, हमेशा एक नियम बना लें. और अगर आप फिगर को नहीं बनाते तो भूल जाएगा, आपको यहाँ कोई मार्क्स मिलने वाला है. ठीक है, फिर से तरीका बिल्कुल वही, लेंथ कितना दिया हुआ है जिसको हमने एल से माना है 5 मीटर, ब्रेथ जिसे हमने बी से डिनोट किया है 4 मीटर, और हाइट जिसे हमने एच से डिनोट किया है 3 मीटर. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं आगे हमसे क्या कह रहा है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द फोर वॉल्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग. इस बार आपको वाइट वॉश करना है, और वाइट वॉश भी कहां कह रहा है, चार दीवारों पर बोल रहा है और छत पे कह रहा है. तो टोटल कितने सरफेस हो गए भाई, चार दीवार प्लस छत. ठीक है, और रेट दिया हुआ है 7.5 पर मीटर स्क्वायर. चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है अभी. तो टोटल एरिया जो हमें पेंट करना है वाइट वॉश के लिए, तो कितना होगा, चार दीवारें हैं तो 2L+B × H, ये लीजिए चार दीवारें आ गई, प्लस छत भी तो पेंट करनी है और छत का एरिया क्या होता है, LB. सारी वैल्यूज तो अपने पास है, तो 2 × L+B 5 + 4 × 3. ठीक है, और प्लस LB 5 × 4. चलिए कितना आएगा, तो 2 × 5 + 4 is 9 × 3 + 20, ये हो गया 3 × 6
69 54 20, ये आपके पास हो गया 74 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया जो आपको व्हाइट वॉश करना है वो 74 मीटर स्क्वायर आ गया। और पैसे कितने लगेंगे वो भी देखिए एक बार, एट द रेट ऑफ 7.5 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपए लग रहे हैं। तो बताइए 74 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे। तो लीजिए बड़ा आसानी से लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग पूरा लिखना है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितने 7.5 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग हम पे कितना है 74 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। स्टेटमेंट पे ध्यान रखिएगा, प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया आंसर मल्टीप्लाई करके 555 रुपीज। ये लीजिए क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं मैं अपने बुक से। क्वेश्चन कह रहा था फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरिमीटर 250 मीटर, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square इज ₹15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। अब फिगर कौन सा बनेगा, क्यूब या क्यूबॉइड? तो हमेशा ध्यान रखिएगा रेक्टेंगुलर फ्लोर किसके पास होगा, ऑब्वियस सी बात है क्यूबॉइड के पास ही होगा, क्योंकि क्यूब की तो सारी सर्फेस बराबर होती है। रेक्टेंगुलर क्लियर सा आपको इंडिकेशन दे दिया कि ये क्यूबॉइड है। तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं क्यूबॉइड का, और किस तरह से क्वेश्चन में हमें चीजें दी हुई हैं फिर उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। ये लीजिए पहले एक क्यूबॉइड बना, क्यूबॉइड में उसका एलबीएस दिखाइए, और ये एलबीएस जो हम यहाँ लिखते हैं ध्यान रखिएगा, ये जो हम एलबीएस लिखते हैं ये हमें अपने स्टेटमेंट पे असाइन भी करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल, फ्लोर, तो फ्लोर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि फ्लोर के पास सिर्फ एल और बी होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा फ्लोर का पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 250, ओके। तो पहले लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ फ्लोर कितना 250 मीटर, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना पहले एलबीएच को असाइन करना पड़ेगा, तो लेंथ को हमने किससे डिनोट किया एल से लिखना पड़ेगा, फिर ब्रेड्थ को हमने किससे डिनोट किया बी से, यूनिट लगा देंगे। अभी मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में क्या यूनिट है हमारे पास, यहां पर यूनिट है हमारे पास मीटर, तो चलिए एल मीटर बी मीटर और हाइट हमने डिनोट किया एच मीटर। अब आप एलबीएच को कहीं भी यूज कर लो अब कोई दिक्कत नहीं, अब आपने बता दिया क्योंकि आपने एलबीएच को क्या क्या माना हुआ है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, जब ध्यान से देखना फ्लोर का पेरीमीटर लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड, मतलब लेंथ प्लस ब्रेड प्लस लेंथ प्लस ब्रेड कितना आ गया 250। तो ट्वाइस ऑफ एल ट्वाइस ऑफ बी 250, टू कॉमन लीजिए तो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी 250, ये टू नीचे आएगा और यहां से एल प्लस बी का आपके पास एक वैल्यू आ जाएगा कितना, कि एल प्लस बी आ रहा है आपके पास 25। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स, चार दीवारें पेंट करनी है सिर्फ, और चार दीवारों का एरिया क्या होता है इसको हम एक्चुअल में सीएसएफ क्यूबॉइड भी बोलते हैं। तो ये होता है 2, ये होता है 2 एल प्लस बी इंटू एच। ध्यान से देखते हैं तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स जिसको सीएसए भी बोला जाता है या एलएसए कुछ भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला होता है 2 एल प्लस बी और इंटू एच। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square इज 15,000, ओके। अगर चार दीवारों को पेंट करने का खर्चा कुल मिला के आया है 15,000 रुपए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा टोटल कॉस्ट लगा है 15,000 रुपए, मतलब ये 15,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए, और किस रेट पर किया है कि 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपए लग रहे हैं, तो बताइए हाइट कितना है, ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर पेंट होता है और मैंने 15,000 रुपए खर्च कर दिए तो कितना एरिया पेंट किया होगा, चलो देखो जरा। तो लिखोगे इन ₹10 एरिया पेंटेड, कितना एरिया पेंट हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर, तो इन ₹1 एरिया पेंटेड, पक्की बात कमी होगा तो 1/10 meter square, लेकिन इन रुपीज 15,000 ये तो मैं कर चुका ना, तो कितने एरिया पेंट किया होगा, तो इन रुपीज 15,000 एरिया पेंटेड कितना 1/10 into 15,000 कितना आ गया, देखो जरा मैंने कुल मिला के 1500 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया है,
लेकिन ये बात तो मुझे पहले ही पता है कि कौन सा वाला एरिया पेंट कर रहे हैं हम, चार दीवारें तो पेंट कर रहे हैं, तो चार दीवारों वाला एरिया और ये 1500 बराबर होगा। इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, 2l + b × a, यही तो चार दीवार का एरिया है, वो कितना हो गया 1500 के बराबर हो गया। और देखा क्या हमने l + b की वैल्यू निकाल ली 125, तो डाल दीजिए इसके अंदर × h = 1500, तो h का वैल्यू कितना आएगा 1500 / ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। बस अब तो कैंसिल आउट करना है, ये रह गया 750, नाउ 125 से 750 6 टाइम्स जाएगा, तो व्हाट इज द हाइट, हाइट आ गया हमारे पास 6 मीटर। एक बार क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर को ₹10 लगते हैं पेंट करने के, कुल मिलाकर ₹15,000 खर्च कर दिए, तो बताइए कितना एरिया पेंट हुआ। और वो जो एरिया पेंट हुआ है वो मुझे पहले से ही पता है कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स है, तो मैंने क्या किया कि अगर ₹10 में 1 मीटर स्क्वायर पेंट होता है तो भाई ₹1 में कितना होगा, तो ₹15,000 मैंने कितना करवाया होगा। अब जो 15,000 में मैंने करवाया वो आया 1500 मीटर स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 1500 मीटर स्क्वायर मैंने कराया किसको है, फोर वॉल्स को कराया, तो एरिया फोर वॉल्स के फॉर्मूले को मैंने 1500 के बराबर रख दिया, एल प्लस बी का वैल्यू निकाल चुका हूं, एच आ गया मेरे पास 6 मीटर। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखता हूं मैं अपनी बुक से, आप भी देखिएगा। अ पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, मतलब एक कंटेनर में इतना पेंट है कि वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है, तो हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ डायमेंशन जो मुझे दी हुई है कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो अगर मैं उस पेंट से एक पर्टिकुलर डायमेंशन की ईटे पेंट करना शुरू करूं तो बताइए कुल मिला के कितनी ईटे पेंट कर पाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा तरीका है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ईंट बनाते हैं, ठीक है, और ईंट हमारे लिए क्या है, पक्की बात है हमेशा क्यूबॉइड, क्योंकि उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग होता है, ठीक है। ये ब्रिक का हमारा एल बी और एच, ठीक है, ये ब्रिक है हमारे, मैं लिख देता हूं, ठीक। अब इस ब्रिक का जो हमने एल बी एच लिया है उसे असाइन करेंगे और वैल्यू भी लिखेंगे, तो लेंथ ऑफ द ब्रिक एल, फिर ऐसे ही ब्रेथ ऑफ द ब्रिक बी और हाइट ऑफ द ब्रिक जो कि है एच, और ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। कितना कितना देखिए ध्यान से जरा, 22.5 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गया, ठीक है, फिर ब्रेथ दिया है आपको 10 सेंटीमीटर और फिर आपको हाइट दिया हुआ है 9 और फिर आपको हाइट दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ऐसे लगे कि क्वेश्चन में सर ऐसा लिखा ही नहीं है कि एल बी एस दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऑर्डर में ही दिया होता है, पहला लेंथ होता है, दूसरा ब्रेथ होता है और तीसरा हाइट होता है, और अगर पर्टिकुलरली कहा गया हो कि लेंथ कितना ब्रेथ कितना हाइट कितना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बात बताई नहीं गई हो और लाइन से तीन चीज दी हो तो हमेशा पहला लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा और तीसरा हाइट होगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ द ब्रिक। अब क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन के हिसाब से टोटल पेंट का एरिया कितना है, टोटल पेंट उसका एरिया है हमारे पास टोटल 9.375 और यूनिट चेक कर लेते हैं, वो मीटर स्क्वायर में दी हुई है और जबकि ब्रिक की सारी लेंथ आपको सेंटीमीटर में है, तो ध्यान रखिएगा ये ब्रिक की लेंथ को आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 100 से डिवाइड करो कितना आ गया 0.225 मीटर आ गया। अब यहां पर करिए 10/100 तो कितना आएगा 0.1 मीटर, यहां कितना आ गया डिवाइड करके 100 से 0.075 मीटर। तो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी सारी ब्रिक्स इस डायमेंशन की पेंट की जा सकती है इतने सारे पेंट से, तो लॉजिक है लेट टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखिएगा, इज इक्वल टू एक्स। अब क्या ब्रिक की 6 की 6 सरफेस पेंट होंगी, ऑब्वियस सी बात है हाँ, तो आप लिखोगे एक्स इंटू टीएसए ऑफ वन ब्रिक, फॉर्मूला है ये, इज इक्वल टू टोटल पेंट इन द कंटेनर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये हमेशा मीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा, मतलब एरिया के फॉर्म में, ठीक है। तो एक्स इंटू टीएसए ऑफ वन ब्रिक, अब ब्रिक तो आपकी क्यूबॉइड है ना, तो टीएसए का फॉर्म लगाते हैं, तो 2 एल बी प्लस बी एच
प्लस एच एल इज इक्वल टू टोटल पेंट इन द कंटेनर, वो तो मैं डायरेक्ट दिया हुआ इसका एरिया 9.375, ठीक है, और यूनिट मैंने पहले चेंज कर लिया सारे मीटर में, तो x इंटू ट्वाइस ऑफ एल बी, तो 0.225 इंटू 0.1 प्लस बी एच 0.1 इंटू 0.075 प्लस एच एल 0.075 इंटू 0.225 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 9.375, तो x इंटू ये आ रहा है 0.09375 इज इक्वल टू 9.375। अब x का निकालने के लिए ये नीचे चला जाएगा, तो चलिए यहां सॉल्व कर देता हूं, तो x इज इक्वल टू 9.375 होल अपॉन ये नीचे आएगा 0.09375। अब जरा डेसिमल हटाते हैं, यहां डेसिमल के बाद तीन प्लेस है, यहां डेसिमल के पास 1, 2, 3, 4, 5, तो ऊपर ही पांच प्लेस बना लेते हैं। अब एक तरह से डेसिमल दोनों साइड से चला गया, तो 937500 अपॉन 9375 पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, और कुल मिलाकर कितनी ब्रिक्स आ गई जो उस टोटल पेंट से पेंट हो सकती थी, वो है 100 ब्रिक्स। शानदार क्वेश्चन था। हाउ मेनी वाले क्वेश्चन में करना क्या है, x मानना है, x इंटू 6 की 6 सरफेस पेंट होनी है, तो x इंटू टीएसए ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल टू टोटल पेंट जो आपके कंटेनर में है, बस उसको रखकर डायरेक्टली x का वैल्यू आ गया 100 ब्रिक्स। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए टर्न है क्वेश्चन नंबर 5 का, चलिए मैं पढ़ता हूं बोर्ड से। क्वेश्चन कह रहा है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, पहला क्वेश्चन आया क्यूब से जुड़ा हुआ, अब तक सारे क्वेश्चन क्यूबॉइड वाले ही चल रहे थे, ठीक है, एक क्यूब है जिसकी एज दी हुई आपको 10 सेंटीमीटर, और मान लीजिए मैंने एज को एज भी लेट ले लिया, अभी मैं लिख भी दूंगा इस चीज को, ठीक है, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, ओके एक क्यूबॉइडल बॉक्स भी है, ये लीजिए फटाफट से बनाते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स, और इसकी डायमेंशन के लिए हम इसमें एल बी और एच दिखा देते हैं, वैल्यूज मैं अलग से लिख के दूंगा आपको भी, और इसमें दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। चलिए दो कॉलम बना लेते हैं, ये रहा मेरा क्यूब का कॉलम और ये रहा मेरा क्यूबॉइड का कॉलम, ठीक है, मैं लिखता हूं लेट एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर, और मुझे दिया कितना है x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखिएगा आप फिगर में जो जो वेरिएबल लिखते हो उन्हें यहां असाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपने यहां वेरिएबल लिख के तो दिखा दिया, लेकिन यहां आपने अगर प्रॉपर असाइन नहीं किया तो वो बिगाड़ जाएगा आपका, ठीक है, माफ कर जाएगा। यहां देखिए लेंथ प्रॉपरली लिखना है एक एक चीज, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मैंने एलबीएच ही लिया हुआ है, वो मैंने लिख दिया है, और ये क्वेश्चन अपने को गिवन है, कितना कितना देखो 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12.5 सेंटीमीटर हो गया लेंथ, फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर वाइड, ये हो गया आपका ब्रेड्थ, और हाइट दे कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, तो डायमेंशन मुझे क्यूब के पता चल गए और क्यूबॉइड के पता चल गए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, सिर्फ फॉर्मूला ही बताना है। अब LSA, LSA और CSA एक ही चीज होता है, मैंने क्या बताया था LSA का मतलब चार दीवार का एरिया, क्यूब की बात करें तो हर दीवार का एरिया सेम होता है x स्क्वायर, तो चार दीवार का 4x स्क्वायर, तो ये लीजिए फॉर्मूला बन गया 4 × x का वैल्यू अपने को गिवन है 10 का स्क्वायर, तो 4 × 100, तो टोटल एरिया आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि क्यूब का एरिया है। चलिए क्यूबॉइड की बात करते हैं, चार दीवार मतलब CSA फॉर्मूला 2l plus b और into h, इसका मतलब ना मैंने छत को इंक्लूड किया है और ना ही फ्लोर को, तो 2 × l + b 12.5 + 10 और into 8, अब आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 × 12.5 + 10 ये हो गया 22.5 और into 8, अभी सॉल्व कर लेते कितना आएगा, ये है ना आपके पास 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसका एरिया ज्यादा आया भाई, 400 ज्यादा होता है 360 से, तो लिखेंगे क्यूब हैज ग्रेटर कर्व सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में एक चीज और है, बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है भाई, चेक कर लो 400 या 360, तो कितना ज्यादा है 400 - 360, तो कुल मिलाकर 40 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है क्यूब का एरिया क्यूबॉइड के एरिया से,
अगला पार्ट देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है, कह रहा है विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। अब किसका छोटा टीएसए है, तो अब टीएसए का फॉर्म लगा देते हैं, तो टीएसए का फॉर्म लगाते हैं दोनों का, तो कितना होता है टीएसए भाई, 6 की 6 सरफेस का एरिया निकाल रहे हो, एक सरफेस का एरिया क्यूब में एक्स स्क्वायर होता है, तो 6 सरफेस का कितना हो गया 6x स्क्वायर, ये लीजिए, तो 6 × x स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 6 × 100 तो टोटल एरिया आ गया, टीएसए की बात कर रहे हैं 600 cm². चलिए क्यूबॉइड की बात करते हैं, तो क्यूबॉइड के टीएसए का फॉर्मूला होता है 2lb प्लस bh और प्लस hl, सारी वैल्यूज पता है सिर्फ पुट करनी है, 2 × 12.5 × 10 प्लस 10 × 8 प्लस 8 × 12.5। अभी पूरा सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आएगा 610 cm². अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो भाई 610 से छोटा है, तो क्यूब का ही टीएसए छोटा है 600 cm², क्वेश्चन है बाय हाउ मच कितना छोटा है, तो 610 - 600 तो 10 cm² छोटा है क्यूब का टीएसए क्यूबॉइड से, ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए टर्न है क्वेश्चन नंबर 6 का, मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, ओके इंक्लूडिंग बेस, कहने का मतलब है एक 6 सरफेस वाला क्यूबॉइडल रूम है, हर्बेरियम होता क्या बता देता हूं, हर्बेरियम एक शीशे का रूम होता है जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट को यूज करते हुए पेड़ पौधों को उगाया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है हेल्प टुगेदर विद टेप्स, मतलब वो जो 6 सरफेस है उनके सारे किनारों को टेप से जोड़ा गया है, कह रहा है इट इज 30 cm लॉन्ग 25 cm वाइड एंड 25 cm हाई, क्योंकि तीन साइड दिए तो मैंने पहले कहा था क्यूबॉइड दिया हुआ है, हमें निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास कि टोटल ग्लास कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 सरफेस है यहां ग्लास लगा हुआ है और 6 की सरफेस और 6 की 6 सरफेस पे ग्लास होने का मतलब है आपको 6 सरफेस का एरिया निकालना है, क्या लगाना है टीएसए लगाना है। चलिए आगे चलते हैं, हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, चलिए आसान सा क्वेश्चन है, पहले फिगर बनाते हैं, तो एक ग्लास हर्बेरियम है, तीन चीजें दी हुई है, कंफर्म हो गया आपको क्यूबॉइड दिया हुआ है, ये लीजिए एल बी और एच, और लिखना किस तरह से वो देखिए, लेंथ ऑफ द हर्बेरियम एल से डिनोट कर रहे हैं, ब्रेथ ऑफ द हर्बेरियम बी से डिनोट कर रहे हैं, हाइट ऑफ द हर्बेरियम एच से डिनोट कर रहे हैं, वैल्यू देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 30, 22 और 25, और मीटर सेंटीमीटर भी चेक कर लेते हैं, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो 30 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है, 25 ब्रेथ दिया हुआ है और हाइट दिया 25 cm और हाइट भी 25 cm दिया हुआ है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, अब ग्लास मतलब 6 की 6 सरफेस की बात कर रहा है भाई, ऊपर से बंद भी है ना, क्वेश्चन में स्पेशली दिया हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर 6 सरफेस की बात कर रहा है तो हमेशा क्या निकालेंगे टीएसए, फॉर्मूला क्या होता है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का, 2 ऑफ LB प्लस BH और प्लस HL, तो 2 ऑफ LB तो 30 × 25 प्लस 25 × 25 प्लस 25 × 30। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा है, और फाइनल आंसर आ रहा हमारा 4250 और सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ करना नहीं था, सिर्फ फॉर्मूला डाल के वैल्यूज इंसर्ट करके कैलकुलेशन करना था। क्वेश्चन का अगला पार्ट देखिए क्या कह रहा है, टेप नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, अब इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर मैं इस क्यूबॉइडल फिगर करूं तो देखो कॉर्नर 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर 4 और ये कॉर्नर है एक्चुअल में क्या हाइट है ना, तो 4 तो हाइट हो गई। चलो एक चीज देखो लेंथ की बात करते हैं, 1 2 बिल्कुल ऐसे 3 और ऐसे 4, तो 4 हो गए इसके पास लेंथ, और जरा ब्रेथ देखना 1 2 3 और 4, कहने का मतलब है टेप कैसे लगेगी 4 लेंथ पर 4 ब्रेथ पर 4 हाइट पर, तो कुल मिलाकर टोटल लेंथ ऑफ द टेप क्या हो गया, तो टोटल लेंथ ऑफ टेप, टेप कहां का लग रही है 4 लेंथ है 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है, 4 कॉमन ले लीजिए तो L प्लस B प्लस H हो गया, तीनों वैल्यूज अपने को पता है, तो L है अपने पास 30 B 25 हाइट भी 25, सॉल्व कर लेते हैं तो 30 प्लस 50 ये हो गया 4 × 80 और ये हो गया 320 मीटर, मतलब कुल जो
टेप की लेंथ लगेगी जिससे सारे के सारे कॉर्नर कवर हो जाए पूरे ग्लास पेन्स के, वो है 320 मीटर। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, मैं अपने बुक से पढ़ रहा हूं। इस एक्सरसाइज का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। शांति स्वीट सॉल्वर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, ठीक है। टू साइजेस ऑफ बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, टू साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, द बिगर डायमेंशन दिया हुआ है एंड द स्मॉलर डायमेंशन दिया हुआ है। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 फॉर 1000 cm², फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच टाइप। दो टाइप के बॉक्स है, दोनों के 250-250 बॉक्स बनाने और मोड़ने के लिए ओवरलैप कटिंग के लिए 5% एरिया एक्स्ट्रा चाहिए होगा टोटल के टोटल बॉक्सेस का, मतलब 250-250 टोटल 500 बॉक्स का 5% एरिया एक्स्ट्रा भी चाहिए। चलो क्वेश्चन को धीरे धीरे करके करते हैं, ठीक है। पहले स्मॉल बॉक्स बनाते हैं, उसका डायमेंशन लिखते हैं, बिगर बॉक्स बनाएंगे डायमेंशन लिखेंगे और फिर बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। इसको मान लीजिए मैंने माना स्मॉलर बॉक्स, ठीक, और उसके लेंथ ब्रेड हाइट मैं छोटे LBS से दिखा रहा हूं। ऐसी यहां मैंने माना बिगर बॉक्स, ये लीजिए, और उसके लेंथ ब्रेड हाइट को मैं बड़े LBS से मानूंगा और यूनिट्स का भी ध्यान रखूंगा कि यूनिट्स में कोई चेंज तो नहीं है। द बिगर डायमेंशन आर 25, 20 एंड 5 सेंटीमीटर, 25, 20 और 5, ठीक है। तो 25, 20 और 5, और मैंने आपसे कहा था ये हमेशा ऑर्डर में दिए होते हैं लेंथ ब्रेड और हाइट। फिर कह रहा है छोटे वाले के देखिए, द स्मॉलर डायमेंशन आर 15, 12 और 5 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दो कॉलम बना लेता हूं, तो यहां मैंने लिखा स्मॉलर बॉक्स, ठीक है, और फिर मैंने लिखा बिगर बॉक्स, ठीक। तीनों के L, B और H, इसको पूरा पूरा लिखिएगा, लेंथ ब्रेड और हाइट। ये कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, फिर ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, स्मॉलर बॉक्स की बात कर रहे हैं पहले, और ये 5 सेंटीमीटर। ऐसे बिगर बॉक्स का मैंने कैपिटल LBS माना है, पूरा पूरा लिखिएगा कि लेंथ बराबर L, ब्रेड बराबर B और हाइट बराबर H। कितना कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले मुझे एक बॉक्स बनाना है जिसकी 6 की 6 सरफेस होंगी, तो पक्की बात क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का TSA निकालना पड़ेगा। एक बॉक्स का TSA आ जाएगा, फिर दोनों के 250-250 बॉक्स का TSA निकालूंगा, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, तो टोटल 500 बॉक्स का TSA आ गया। अब उस 500 बॉक्स के TSA में मुझे 5% एक्स्ट्रा भी चाहिए ओवरलैपिंग का, वो 5% निकाल के ऐड करूंगा तब फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, TSA ऑफ वन बॉक्स फॉर्मूला, 2 ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि TSA बात कर रहे हैं तो TSA का ही फॉर्म लगेगा। चलिए सारी वैल्यूज डालते हैं, तो ट्वाइस ऑफ LB 15 × 12 प्लस 12 × 5 प्लस 5 × 15, और ये पूरा सॉल्व कर दूं तो ये आएगा 630 cm². लेकिन ये TSA एक बॉक्स का है, मुझे 250 बॉक्स चाहिए दोनों टाइप के, तो लिखा मैंने TSA ऑफ 250 बॉक्सेस, तो ये हो गया 630 × 250, और ये सॉल्व करके आएगा 157500 cm², ठीक है। 250 बॉक्स का एरिया स्मॉल बॉक्सेस का आ गया, ठीक है। अब बिगर का निकालते हैं, तो TSA फॉर्मूला तो वही है, क्योंकि इसमें भी आपको 6 की 6 सरफेस ही बनानी है बॉक्स की, तो ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH और प्लस HL, वैल्यू डालिए तो ट्वाइस ऑफ 25 × 20, 20 × 5 और 5 × 25, ये पूरा सॉल्व करके आएगा 1450 cm². लेकिन ये एक बड़े बॉक्स का TSA है, मुझे कितने बॉक्स का चाहिए 250 बॉक्स का, तो कैसे लिखूंगा TSA ऑफ 250 बॉक्सेस, तो 1450 × 250, ये आपके पास आएगा 362500 cm². अब एक चीज का ध्यान रखो, 250 बॉक्स का एरिया यहां आ गया, 250 बॉक्स का एरिया यहां आ गया। अब टोटल पहले एरिया निकाल लो 500 बॉक्सेस का, तो टोटल एरिया ऑफ 500 बॉक्सेस, तो जड़ियो, तो चलिए जोड़ते हैं,
157500 प्लस करते हैं इसमें 362 और 500 और ये सॉल्व करके आ रहा है 520000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये वो एरिया आया है जो टोटल एग्जैक्ट बॉक्स बनाने के लिए चाहिए, लेकिन 5% का ओवरलैप भी तो चाहिए, मतलब बॉक्स आप मोड़ोगे उसे कट करोगे तो एक्स्ट्रा तो चाहिए ही चाहिए, वरना क्या होगा बॉक्स का, अगर आपने एग्जैक्ट साइज दे दिया तो आपका बॉक्स छोटा रह जाएगा। तो ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा एरिया ऑफ बॉक्सेस किसके लिए, फॉर ओवरलैप्स, और वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 5% एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5% टोटल एरिया का। ठीक है, ये सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास आएगा 20 पीछे आ गए, 5 × 2 = 10, 5 × 25 + 1 = 26, तो 26 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपको एक्स्ट्रा चाहिए। देखिए अब टोटल एरिया कितना आ गया अपने पास विद ओवरलैप्स, तो टोटल एरिया ऑफ 500 बॉक्सेस इंक्लूडिंग क्या ओवरलैप कितना, भाई टोटल एरिया आपको कितना चाहिए था, इतना तो चाहिए ही चाहिए था 520000 प्लस इतना एरिया ओवरलैप के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, तो ये आपके पास आएगा 546 और 000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कुल एरिया आ गया 500 बॉक्सेस का जिसमें 5% एरिया आपको ओवरलैप के लिए छोड़ दिया है। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 per 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड। तो ठीक है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के ₹4 लग रहे हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड, मतलब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड का कितने रुपए लग रहे थे, ₹4, तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड कितना, ऑब्वियस सी बात कम ही लगेगा, तो 4/1000 हमारे पास कितना है 546000, तो कॉस्ट ऑफ 546000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 4/1000 × 546000, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 4 × 546, तो ये कितना आएगा 4 × 6 = 24, 2 कैरी हो गया, 4 × 4 = 16, 17 = 18, 1 कैरी हो गया, 4 × 5 = 20 और 1 = 21, तो कुल मिलाकर आपको जो 500 बॉक्सेस का पैसा दे रहा है जिसमें 5% का ओवरलैप भी इंक्लूडेड है वो है ₹2184। ये लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक शानदार क्वेश्चन था, ढंग से सारे स्टेप देखिएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, प्रवीण वांट टू मेक अ टेंपरेरी शेल्टर फॉर हर कार बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विद टारपोलिन, टारपोलिन कपड़ा होता है, दैट कवर ऑल द फोर साइड्स एंड द टॉप ऑफ द कार। अब देखो किस तरह से बना रहा है कि चार दीवार बना रहा है और छत बना रहा है, बेस नहीं हो सकता, ठीक है, वो कह रहा है पहले से, फिर कह रहा है अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिंस आर वेरी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल, हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अ शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद बेस डायमेंशन 4 × 3 मीटर। चलिए देखिए एक क्यूबॉइड बनाते हैं, क्योंकि तीन डायमेंशंस दी हुई हैं, तो पक्की बात है ये क्यूबॉइड ही है आपके पास, ये देखिए लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, प्रॉपर लिखते हैं कि हाइट ऑफ कार्डबोर्ड, या फिर कह सकते हैं कि जो वो टेम्परेरी शेल्टर बना रहा है वो कितना दिया हाइट हमको 2.5 मीटर, और एरिया ऑफ द बेस दिया है, तो एरिया ऑफ द बेस में पहला क्या होगा वो लेंथ होगा और दूसरा क्या होगा वो होगा ब्रेड्थ, ठीक है, और यहां हाइट को एच भी लिख लीजिएगा, ठीक है, तो हमको एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है 4 × 3, तो लेंथ हो गया 4 मीटर और बेस हो गया 3 मीटर। अब वो जो शेल्टर बना रहा है उसमें क्या है, चार दीवार है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स और प्लस छत प्लस एलवी, बस हो गया काम, तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड, तो टोटल एरिया है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, तो फॉर्मूला 2l + b × h और प्लस साथ में क्या है छत का एरिया जो कि एल भी होता है, तो 2 × l + b, तो 2.5 + 4 × 3 और प्लस एल बी, मतलब 2.5 × 4। अब ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं और आंसर आएगा 47 मीटर स्क्वायर, तो इतना एरिया टारपोलिन क्लॉथ का उसे चाहिए
अपना कार का शेल्टर बनाने के लिए। तो ये लीजिए एक्सरसाइज फिनिश होती है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार थे, ढंग से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स फिलीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।